मतलब गुरु जी हमने पुरुषार्थ किया उनको फल नहीं मिला। आपने क्या पुरुषार्थ किया? आपने मतलब पुरुषार्थ ये किया, मतलब जैसे गुरु जी हम जैसे व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे मतलब अपनी क्षमता के अनुसार कर जाते, कर लेते, प्राणायाम करते थे, करते थे, ध्यान भी करते थे, करते थे, और मतलब उसके साथ साथ मतलब टीवी भी देखना छोड़ दिया, टीवी देखना छोड़, बाहर का कुछ खाते नहीं थे, मिर्च मसाला भी वगैरह सब छोड़ दिया था। और उसके बाद फल आपको क्या सुबह दोस्त भी आपको बना, मतलब वो बंद नहीं हुआ उससे। देखो इसमें क्या होता है ना, हम युवा हैं और युवा धैर्य बड़ी जल्दी छोड़ देता है, धैर्य बड़ी जल्दी छोड़ देता है। उसका क्या कारण है? हमारे शरीर में आप समझो ऊर्जा की कमी का होना, या धैर्य जभी जमता है व्यक्ति का जब उसके पास ऊर्जा होती है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? आप देखो अभी जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो ऊर्जा का भंडार होते थे, मतलब के पास उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी होती थी, शारीरिक शक्ति भी होती थी और आत्मिक शक्ति भी होती थी। तीनों शक्ति उनके पास होती थी तो उनके पास धैर्य बहुत ज्यादा होता था। आप देखो एक आम व्यक्ति ग्रस्त में है, आम व्यक्ति ग्रस्त में है, उसके पास शरीर की ऊर्जा कम है, उसकी शरीर की ऊर्जा क्या हो रहा है? बार बार नाश हो रहा है संतान उत्पत्ति में, जिसके कारण उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, जब तक ऊर्जा नहीं बनेगी और आपको लगता है कि मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिला, वो ऐसा इसलिए होता है कि आपको देखना चाहता है वो व्यक्ति जो संसार चला रहा है, परमात्मा आपको देखना चाहता है ये कितने दिन तक प्रतिदिन इस नियम को कर सकता है। मान लो आपने एक महीना किया, दो महीना किया, उसके बाद छोड़ दिया, कितने महीने किया? नहीं थे गुरु जी। कितने दिन तक किया आपने? मतलब हम लगभग 8 महीने तक ये सब करते थे, 8 महीने तक करते थे। देखो ऐसा होता है, मैं खुद को अनुभव हो सकता हूँ, जब हमने उपासना शुरू कर दी, ध्यान साधना शुरू करी थी तो हमें भी शुरुआत में लगता था परमात्मा कुछ है ही नहीं और हम मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कुछ फल ही नहीं मिल रहा, हम मेहनत करते हैं कुछ फल नहीं मिला, लेकिन बस मन में ये था कि भाई करते रहते हैं कभी ना कभी तो मिलेगा। जब 1.5-2 साल पूरे पूरे हो चुके तब परमात्मा का एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ कुछ ऐसी चीज है, ऐसी सत्ता है जो पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल जमाए हुए है, पूरी दुनिया को चला रही है। ठीक उसी प्रकार वो आपसे भी आपका धैर्य देखना चाहते हैं कि व्यक्ति कितने दिन तक कर सकता है। और जब तक आप ये आपके साथ पहले व्यक्ति नहीं हो, आपको ये आप पहले साधक हो कि आपके साथ ये ऐसी स्थिति हो रही है, आप यहाँ सभी किसी से पूछना सभी साधक ऐसे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, सभी ये कहेंगे फल नहीं मिल रहा, फल मिलेगा एक समय आने के बाद। आपने आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगभग 4 साल बाद फल देता है, तो 4 साल से अगर पहले ही उसको काट दे जाए तो फल नहीं दे रहा तो मूर्खता तो हमारी उसमें है नहीं, मुक्ता से। तो ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी ऐसे ही है, कुछ भी चीज हो उसमें 2-3 साल लगते हैं प्राप्त करने में, एकदम से नहीं होता। आप बिजनेसमैन से पूछना, बिजनेसमैन जो आपको मिलेंगे आप उनसे पूछना भाई आप कितने दिन में सफल होने शुरू हुए, आपको प्रॉफिट कब होना शुरू हुआ, वो कहेगा कि जब मुझे 3 साल पूरे हो चुके तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हुआ। हर फील्ड में यही है भाई, किसी में पहले नहीं मिलेगा। आप व्यायाम कर रहे हो, आप सोच रहे हो 3-4 महीने व्यायाम करके मेरे अंदर तो बहुत बल आ गया अब छोड़ देता हूँ, तो जितना बल आएगा वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका शारीरिक पता होने लगेगा, सोपन दोष होगा, धातु रोग होने लगेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है प्रतिदिन। आप देखो भी अपने डिस्ट्रिक्ट भाई हैं गोबक संजय पहलवान, वो बताते हैं कि बचपन से रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, बचपन से जब से उनकी अच्छी उम्र हुई है 10-11 साल तब से रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, तो उसी का फल उनको मिल रहा है कि वो 1-1 लाख सपाटे लगा रहे हैं, गोमाता का दूध पी के, गोमूत्र पी के। अब देखो बहुत से उल्टी सीधी चीज खाते जब भी इतने नहीं लगा सकते और वो चैलेंज करते हैं सबको, तो धैर्य है ना उनके पास, वो तो धैर्य कहाँ से आया? लंबे समय किसी कार्य करने के बाद, तो लंबे समय कार्य करना है, आप गुरुकुल में हो आपको दिनचर्या बनाओ और लंबे समय कार्य करो, फल ना मिले तो फिर हमें बताना।